नया वर्ष आना ये हर्ष का विषय नहीं है, ये शोक का विषय है। जैसे आपके पास बैंक में 1,00,000 है, उसमें से 50,000 खर्च हो गया तो आप खुशी नहीं मनाते, आप सोचते हैं अरे अब तो 50 ही रह गया, अब तो 2,000 रह गया, अब तो 1,000 रह गया। ऐसे ही ये मानव देह जो भगवान ने हमको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दिया है, हमने उसमें कितनी दूरी तय की, भगवान के पास कितना गए, कितनी उपासना की। उपासना माने पास जाना, भगवान के पास जाना इसका शब्द है उपासना। उप उपसर्ग है, आस धातु से युच प्रत्यय होकर अन होकर ताप होकर उपासना शब्द बनता है। तो हम भगवान के पास कितना गए, जैसे किसी को ठंड लग रही है और सामने आग जल रही है, तो जितना आग के पास जाएगा उतने ठंड दूर होगी। शीतम भयम तमोपेति, तो हम भगवान के पास गए कितने परसेंट गए, अब कितनी दूर है भगवान, संसार से कितनी दूर गए। ये सब सोचना चाहिए, हम नहीं सोचते, हम खुशी मनाते हैं। अच्छा हुआ 20 साल निपट गया, अब 50 भी चला गया, अब 80 भी चला गया, अपने बेटों से पोतों से हम लोग बड़े रुआब में कहते हैं बेटा हमारी क्या है, हमारी तो बीत गई, तुम अपनी फिक्र करो। अरे क्या बीत गई, ये बोझा है क्या मानव देह जो बीत गया। अगर किसी को 10 साल की जेल हो और वो सोचे 9 साल बीत गया, अब 9.5 साल बीत गया, अब कल छूटेंगे, तो वो खुशी मनावे, ठीक है। तुम क्या खुशी मना रहे हो, मरने के बाद कहीं मुक्ति होगी क्या। इस 84,00,000 की जेल से छुटकारा पा जाओगे क्या, ऐसा तो कुछ किया नहीं तुमने अभी और सोचा भी नहीं। फील किया होता तो मरने के 1 सेकंड पहले भी अगर फील किया होता, ठीक ठीक फील किया होता, तो 1 सेकंड पहले भी मन भगवान में लगा देते तो बात बन जाती। यम यम वाप स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, अंतिम समय में जैसा चिंतन होगा वैसी गति मिलती है।
तो हमें हर्ष नहीं मनाना है, हमको सोचना है, अपना निरीक्षण करना है, आत्मनिरीक्षण। देखो पॉलिटिक्स में सब पार्टियां, इलेक्शन वगैरह होता है तो फिर निरीक्षण करती हैं, हम क्यों हारे, हम क्यों ऐसा गड़बड़ किया, हमारे ऐसा क्या हुआ, क्या खामी थी, उसको अब ठीक करें। तो ऐसे ही हमको भी साल में बहुत अधिक निरीक्षण करना चाहिए एक बार, और हम महीने में भी एक बार करना चाहिए, और हो सके तो डेली 2-3 मिनट सोते समय सोचना चाहिए, आज हमने क्या किया, अच्छा क्या किया, बुरा क्या किया, संसार में मन कितना लगाया, भगवान में कितना लगाया। अगर रोज सोचे तो अगले दिन गड़बड़ी कम होती जाए, फिर महीने में सोचे तो अगले महीने में और कम हो जाए, लेकिन हम मरते मरते भी नहीं सोचते, निर्भय। हाँ, हमको मरना थोड़ा ही है, अरे अभी तो हम क्या 90 साल के है ही है। अरे क्या ख्याल है तुम्हारा, 100 बरस, अच्छा चलो मान लिया, 200 बरस जियोगे, चलो मान लिया, उसके बाद क्या होगा। तो ये जो आत्मनिरीक्षण है, उसमें आप पाएंगे कि हमने बहुत लापरवाही की, लेकिन अभी चांस है। एक डीएम थे तो वो अपना हाल बता रहे थे कि मैं एक कंपटीशन में बैठा लिखने के लिए, तो सोचते सोचते नींद आ गई और 1 घंटे सोता रहा। 1 घंटे बाद जब नींद खुली तो 1/2 घंटे बचा था समय, तो जल्दी जल्दी लिखा और फेल हो गया। लेकिन 1/2 घंटा तो कम से कम मिल गया उनको, हम तो मृत्यु के समय तक भी नहीं सोचते, तो कब बनाएंगे। इधर का बनाने का बहुत सोचते हैं, हाँ बेटा का बन जाए, बेटी का बन जाए, पोते का बन जाए, इसका भी बन जाए, उसका भी बन जाए, सब अरब पति हो जाए। ये बहुत सोचते हैं, आत्मा का बनाने का मामला सोचो, तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, शरीर को तो छोड़ना पड़ेगा, जबरदस्ती छोड़वाई जाएगी शरीर। इसलिए हर साल आत्मनिरीक्षण करो और फील करो, और अगले साल की तैयारी करो कि अब की साल काम बना लेना है, क्या पता पूरा साल न मिले, 6 ही महीना मिले, 1 ही महीना मिले। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली।
सवेरा हो कि ना हो। एक आगरे के इंजीनियर साहब थे जिन्होंने हमारा सत्संग भवन बनवाया है मनगढ़ का, वो रात में सोए और सवेरे नहीं उठे। किसी को मालूम ही नहीं हुआ घर में हुआ क्या। सोते सोते हार्ट फेल हो गया। तो ये तो काल है, समय आ गया तो काल आपको एक सेकंड का समय नहीं देगा, जाना होगा। कोई भी हो, राजा रंक फकीर कोई हो, जाना होगा, सबको जाना होगा। सिद्ध महापुरुष को भी जाना होगा, मायाबद्ध की कौन कहे। कोई हंसते हुए जाए, कोई रोते हुए जाए, अरे भगवान भी आते जाते हैं। 11,000 वर्ष जब पूरा हो गया राम का, तो यमराज गया राम के पास कि महाराज याद दिलाने आया हूं आपको, शायद भक्तों के प्यार में भूल गया हो 11,000 वर्ष, तो आपका टाइम हो गया, आप इतने दिन को आए थे, अब आपकी इच्छा हो और रहे वो मैं नहीं कहता। इसलिए नया वर्ष उसकी खुशी तभी मनाओ जब नए वर्ष में मन को जबरदस्ती वो हठ करता है, तो तुम भी बुद्धि से हठ करो और भगवान में लगाओ। वो लगेगा नहीं, लगाना होगा। इस भरोसे में तुम बैठे रहे अनादिकाल से अब तक, लगेगा लगेगा। क्यों लगेगा? तुम संसार में लगा रहे हो, अभ्यास कर रहे हो संसार में लगाने का, और लगे भगवान में, ऐसा कैसे? जिसमें लगाने का अभ्यास करोगे उसी में लगेगा ना। बड़ा सुंदर वेद व्यास ने एक श्लोक में कहा है, विषयान ध्यायतः पुंसो विषयेषु विसज्यते मामनुस्मरतश्चित्तं मय्येव प्रबिलीयते। संसारी विषय में सुख का चिंतन करोगे बार बार तो उसमें अटैचमेंट हो जाएगा, और मुझ में सुख का चिंतन करोगे बार बार तो मुझ में अटैचमेंट हो जाएगा। बस चिंतन करने का मामला है। जितना अधिक चिंतन होगा उतना अधिक अटैचमेंट होगा। वो चिंतन हमें बढ़ाना है, बस इतनी सी बात है।